Nothing, just getting bored. You want to try something exciting? Wait a minute, I got a crazy idea. Why am I getting bored when I have new idiot neighbors? Fun time begin, Christy. It's super idiots. Oh, I heard we have new neighbors from different countries. Are you guys from the same country? No, we are not. Thank God we're India, sir. Alhamdulillah, हम भी अब इंडिया से नहीं हैं, proudly from Pakistan. ओह, तभी तो ये हाल है तुम्हारे देश का. ना पहनने को कुछ, ना ओढ़ने को कुछ. दया आती है तुम लोगों पर. हाँ, हालात तो खराब हैं, पर इतने भी नहीं कि मुल्क में टॉयलेट्स ही ना हो. तुम्हारी तो? Is everything okay? Yeah. बस कुछ लोग अपनी औकात भूल गए. Are you talking to me? No. Please come sit. बड़बड़ा रही है, आदत से मजबूर है, और आते ही क्या हैं. No, next time you guys carry on. By the way, my name is Christy. Sorry, nice to meet you. I'm Shipa. And I'm Richa from Great India. Great India? तुम्हारे Great India के poll खोलूं? और तुम्हारे बारे में तो कुछ कह भी नहीं सकती ना मैं, क्योंकि तुम लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं. Annoying. Annoying. Didn't get properly. But yeah, I enjoy. नमस्ते मामा, आप कैसी हैं? बस आपका आशीर्वाद है ना, इसलिए सब बेस्ट चल रहा है. हाँ, यूरोप की क्या बताएं, बस यहाँ पर भी चंद्रयान के चर्चे हैं, सुनकर दिल खुश हो जाता है. मगर जब पड़ोसियों की इकोनॉमी की बात आती है, सुनकर बहुत दुख होता है. हाँ, ओ अगेन, दिल्ली इज मोस्ट अनसेफ सिटी ऑफ वुमेन. मामा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ. ओह सॉरी, कॉल पे थी मैं, तो बस वैसे टॉप न्यूज पढ़ रही थी. हार्ट हिट हुआ क्या? तुम ना, मैं बता रही हूँ, तुम जो है ना, हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कम जॉइन अस. टी और कॉफी? नो थैंक यू, सॉरी फॉर अदर डे. कोई बात नहीं. तुम्हें हिंदी आती है? थोड़ी बहुत, कॉमन टॉक नहीं, बट ये हिंदी है, उर्दू. ये उर्दू है. शॉकिंग सिमिलैरिटीज, सेम ड्रेसेस, सेम लैंग्वेज. यू गाइस नॉट सेम, राइट? बट इसमें से अच्छा कौन है? An idiot's debate time begin. Have fun, Christy. हाँ हाँ, हैं हम सेम. एक जैसा कल्चर, एक जैसी बोली, एक जैसे ड्रेस, और एक जैसे इश्यूज. लेकिन पता है इस बार डिफरेंट क्या होगा Christy? इस बार हम नहीं लड़ेंगे, बल्कि तुम निकलोगी यहाँ से नापाक इरादों के साथ. जिस तरीके से हमने 1947 में तुम लोगों से आजादी ली थी, और तुम लोगों की ट्रिक्स की वजह से हम आज तक एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं. मगर अब और नहीं, अब तुम जाओगी और हम मिलकर रहेंगे. गेट आउट Christy, और इस इंटेंशन के साथ दोबारा मत आना. What you guys are saying? और हाँ Christy, सेम हम इसलिए लगते हैं क्योंकि जुदा तो हम हो गए थे, लेकिन दिल आज भी मिलते हैं. आज भी हिंदू ईद मनाते हैं, मुसलमान होली के रंगों में रंगते हैं, पाकिस्तान में शौक से साड़ियां पहनी जाती है, और हिंदू लड़कियां बहुत शौक से कमीज सलवार पहनती हैं. मोहब्बत तो है, पर जबान में नहीं आती. मैं समझती हूँ तुम ये बातें नहीं समझोगी, लेकिन हमें दुनिया को समझाना भी नहीं है. हमें बस एक दूसरे को रियलाइज कराना है कि अब वक्त आ गया है इस बोझ से आजाद होने का. How can we fully unite? Amazing, but annoying. Now I have to find something else and leave the boredom. आदाब, आदाब, शाम बखैर. तुमने तो दिल जीत लिया, वरना मुझे लगा था अभी चाय भी बनानी पड़ेगी. शुक्रिया शुक्रिया. जरा नवे, जरा नवे,
यार क्या कहते हैं शुक्रिया के रिटर्न में? तुमने कहाँ से सीख ली इतनी खालिस उर्दू? वो हमारे इंडिया में ना तुम लोगों की कविताएं, बल्कि नहीं शायरी, शायरी की बहुत धूम है। जैसे हमारे बॉलीवुड मूवीज, शाहरुख खान उफ माय क्रश, एंड वी लव पाकिस्तानी ड्रामास, फवाद खान। और मैडम हमारे बात बात में जनाब जनाब नहीं करते और ना ही डेढ़ डेढ़ किलो आंखों में सुरमा डाल के फिरते हैं। और मैडम हमारे यहाँ भी टॉयलेट है कहीं कहीं।